तो अब इस 26वें सवाल में कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद A और अंतिम पद L है तो सिद्ध करो कि आरंभ से nवें पद और अंत से nवें पद का योग A प्लस L है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पहला पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें यह सिद्ध करना है कि यदि आरंभ से हम nवां पद ज्ञात करें और फिर अंत से nवां पद ज्ञात करें और इन दोनों पदों को जोड़ दें तो a प्लस l हो जाएगा। हमें यह चीज सिद्ध करनी है। ठीक है, तो पहले तो हम आरंभ से nवें पद का मान ज्ञात कर लें और फिर अंत से nवें पद का मान ज्ञात कर लें, उसके बाद फिर इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि इतना आता है या नहीं। तो यहाँ पर लिख लें आरंभ से nवां पद, पहले तो हम आरंभ से nवां पद ज्ञात कर लें। तो आरंभ से nवें पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन डी, यही तो होता है। और अब ज्ञात कर लें हम अंत से nवां पद, तो यहाँ पर लिख दें तथा अंत से nवां पद। ठीक है, तो अंत से जो nवां पद होता है वह क्या होता है? l माइनस एन माइनस वन और डी। ठीक है, यही तो होता है। अब हमें इन दोनों पदों को जोड़कर देखना है कि a प्लस l आता है या नहीं। तो अब हम इन दोनों पदों को जोड़ दें, तो यहाँ पर लिख दें, तो यहाँ पर लिख दें इन दोनों पदों को जोड़ने पर, जोड़ने पर इनका योग, इनका योग बराबर क्या हो जाएगा? जो यह आरंभ से nवां पद है पहले तो वह लिख लें यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन डी, और फिर जो यह अंत से nवां पद है यह भी इसमें जोड़ दें। ठीक है, अब देखिए जो ये हमारे पास प्लस का एन माइनस वन डी है और यहाँ पर देखिए जो यह हमारे पास एन माइनस वन डी है यह माइनस का है, यह प्लस का है एन माइनस वन डी और जबकि यह माइनस का है एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा ए और इधर रह जाएगा प्लस का एल। ठीक, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें प्रूव्ड।